नहीं। सबसे पहले सीखेंगे हम मैक एड्रेस क्या होता है। और तो हम ये एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं कि मैक एड्रेस क्या होता है। हाँ जी, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, या फिर रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आंसर। मैक एड्रेस कितना बड़ा होता? गुड। किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? गुड। कितनी फील्ड्स होती हैं? थ्री। गुड। हेक्साडेसिमल में मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? आंसर किसने करना है? एक ने। कितनी हो सकती है बताओ? मैक्सिमम सिक्सटीन। एफ। गुड। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ए बी सी डी ई एफ। कोई इशू किसी को? आईपी एड्रेस की लेंथ कितनी होती है? हाँ जी बताओ। 32। मेन चीज क्या है? बिट्स। 32 क्या? बिट्स। ठीक है भाई, टर्म बिना क्वांटिटी के कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते। फाइन। कितने ऑक्टेट्स होते हैं आप बताओ? फोर। गुड। एक ऑक्टेट में कितनी बिट्स होती है वो बताएगा आखिरी बैठा जो। बिल्कुल। एट बिट्स। गुड। इतनी बात सबको क्लियर है? सारे सेम प्लेटफॉर्म पे हैं। अब हम ट्रेन को आगे चलाएंगे। फाइन। आज का मेरा टॉपिक है जिसपे मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा वो है आईपी एड्रेसिंग। भाई आज फ्राइडे है, कल क्या है? परसों क्या है? दो चैप्टर पढ़ाऊंगा आज मैं आपको। सारी एक्सरसाइज सॉल्व करके लाओगे, वीकेंड का आपका होमवर्क है। अगर आप सॉल्व करके लाओगे तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, वरना मंडे को मैं अपना नया टॉपिक शुरू करूंगा। फाइन। आपको अब तक इस बात का पता है व्हाट इज एन आईपी एड्रेस? पता है कैसा दिखता है? डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है एक आईपी एड्रेस। फाइन। कितना बड़ा है? एक ऑक्टेट में कितने बिट होते हैं? मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम क्या हो सकती है? इतनी बात सबको पता है। मेन मुद्दा क्या है समझने का? अगर मैं एक आईपी एड्रेस लिखता हूं, ये भी हो सकता है एक आईपी एड्रेस, ये भी हो सकता है, हो सकता है ना। मिनिमम वैल्यू क्या थी ऑक्टेट में? मैक्सिमम क्या थी? 255। आईपी एड्रेस तो कुछ भी हो सकता है। अब हमारा नाम कुछ भी हो सकता है, पर हमारा नेटवर्क डिफाइन करने के लिए हमारे नाम के साथ क्या है? सरनेम। क्या है? सरनेम। अगर किसी को आपका सरनेम पता चलता है तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो। एग्री। अब यार एक आईपी एड्रेस को बताने के लिए कि ये किस नेटवर्क से बिलोंग करता है, मेरे पास क्या है? क्या है? क्या है बताओ? क्या है मेरे पास ऐसा? व्हाट आई हैव? सबनेट। देखो एग्जांपल लेते हैं हम। फाइन। ये मेरा नाम, ये मेरे भाई का नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, सबके नाम क्या है? डिफरेंट। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए मैं कैसे समझाऊंगा आपको? ये मेरा क्या है? ठीक है जी, हमारे नाम मेरे नेटवर्क में सेम है, डिफरेंट है, लेकिन हमारा सरनेम सबका क्या है? ठीक है जी,
एक नेटवर्क में दो चीजें होती हैं, पहली नेटवर्क, दूसरी होस्ट। पहली क्या होती है, दूसरी क्या होती है, होस्ट। अब क्या मतलब है होस्ट का और क्या मतलब है नेटवर्क का। मैं कहता हूं ये हमारी एक क्लास है, ठीक है, ये नेटवर्क बुल्स का MVT का 10 से 12 से 2 लगने वाला एक बैच है। ये हमारा क्या है, एक नेटवर्क। इस नेटवर्क में मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं एक ट्रेनर हूं। आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप एक, क्या आप सबकी आइडेंटिटी सेम है? नहीं, आपका नाम कुछ और है, आपका कुछ और है, आपका कुछ और है, और आपका कुछ और है। मतलब हम सेम नेटवर्क के पार्ट है, लेकिन हमारी होस्ट आइडेंटिटी क्या है, डिफरेंट है। अगर मैं ट्रेनर और स्टूडेंट का क्राइटेरिया छोड़ दूं, हम सबके डिफरेंट नाम है, और हमारी कॉमन आइडेंटिटी क्या है कि हम एक ही क्लास में एक ही नेटवर्क में बैठे, एग्री। इसका मतलब हमारा नेटवर्क क्या है, सेम है, लेकिन हमारा होस्ट पार्ट सबका क्या है, डिफरेंट है, एग्री। दिस थिंग इज क्लियर। तो सबनेट मास्क का काम क्या है, डिफाइन करना कि इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस में नेटवर्क पार्ट क्या है और होस्ट पार्ट क्या है। देखो मैंने नाम बोला आपका, आपका नाम क्या है, आगे विवेक धैमा। इनका नाम सुनते ही पता चल गया कि ये धैमा फैमिली से बिलोंग करते हैं, और धैमा फैमिली में इनकी आइडेंटिटी क्या है, विवेक। धैमा फैमिली के लोग इनको किस नाम से जानते हैं, विवेक, और बाहर के लोग किस नाम से जानते हैं, विवेक धैमा। जब बाहर बाहर के बंदे को आप अपना एड्रेस बताते हो, अपना अपनी आइडेंटिटी बताते हो, तो होस्ट भी बताते हो और नेटवर्क भी बताते हो, एग्री। दिस थिंग इज क्लियर। लेकिन इस नेटवर्क में हम सबकी नेटवर्क आइडेंटिटी क्या है, सेम, और होस्ट आइडेंटिटी क्या है, डिफरेंट। सबनेट मास्क किस लिए यूज होता, समझ में आया सबको? कितने लोगों को कंप्यूटर को आईपी एड्रेस देना आता है? पहली चीज क्या, दूसरी इसके बारे में बात करेंगे, ये क्या होता है जब आगे थोड़ा और पढ़ लेंगे, फाइन। तो अब आपको ये पता चल गया आईपी एड्रेस क्या है और सबनेट मास्क का मतलब क्या है। अब देखते हैं मेरे पास कितनी तरह के आईपी एड्रेस है और कितनी तरह के सबनेट मास्क है, और ये तरह इतना डिवाइड किया क्यों गया, फाइन। डिवीजन का बेनिफिट हमेशा एक ही होता है कि अगर मैं चीजों को डिवाइड कर लेता हूं तो दोस थिंग्स आर इजी टू मैनेज, ठीक है जी। एक नॉर्मल सी बात अब करते हैं, इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शायद कुछ लोगों ने इस बात के बारे में सुना और कुछ लोगों ने इस बात के बारे में ना सुना, फाइन। तो गाइज आईपी एड्रेस को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, सबसे पहले प्राइवेट फिर पब्लिक। अब सबसे पहले तो प्राइवेट और पब्लिक बनाने की जरूरत क्या थी, अगर मुझे यह समझ में आ गया तो कोई इश्यू होगा ही नहीं। मेरे आईपी एड्रेस यहां से स्टार्ट होंगे, एग्री, और यहां पे खत्म हो जाएंगे, इसी के बीच में लाई करेंगे सारे। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को ये ना समझ में आया तो अभी पूछ लो, फाइन। अब यार एक बात बताओ, अगर दुनिया में आईपी एड्रेस आ गए, फाइन, कितने लोग हैं दुनिया में, बहुत सारे, बहुत सारी कंट्रीज है, फाइन। अब हर कंट्री में आपको मैंने इंडिपेंडेंट कर दिया, आप कोई भी आईपी एड्रेस यूज कर सकते हो, तो एक टाइम आएगा ये सारे आईपी एड्रेस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर ये टोटल आईपी एड्रेस कितने हैं, 2 to the power 32, 2 to the power 32 कितना होता है बताओ, 16. इतना तो नहीं पता होगा, फिर भी 16 तक तो पता ही होगा, 65535 होता 16 तक, फाइन। 65,000 आईपी एड्रेस, चलो ठीक है, 2 to the power 32 मैं मान लेता हूं 100 करोड़ होता है,
ठीक है, एक एस्टिमेट ले लेते हैं, लेट इट बी 1.4 बिलियन, फाइन। 1.4 बिलियन आईपी एड्रेसेस बहुत है? नहीं, लोग कितने हैं यार दुनिया में, नीड कितनी है दुनिया में? देखो आप ऐसा सोचते हो कि एक बंदा एक ही आईपी एड्रेस यूज करता है, पर ये सच नहीं है। आपको फोन पे नेट चाहिए, आपके पास पैड है, आपको उस पर भी क्या चाहिए? नेट चाहिए। आपके पास लैपटॉप है, आपको उस पर भी क्या चाहिए? नेट चाहिए। आपका टीवी चलता है, वो भी किससे चलता है? नेट से चलता है। फोन करते हो आप, वो भी किससे होता है? स्काइप कॉलिंग करते हो आप, वो भी किससे होती है? हर काम करने के लिए मुझे एक अलग आईपी चाहिए, क्योंकि एक आदमी एक डिवाइस थोड़ा हैंडल करता है। एक बंदा मल्टीपल डिवाइस हैंडल करता है, फोन भी रखता है, लैपटॉप भी रखता है, आईपैड भी रखता है, तो उसको मल्टीपल आईपी चाहिए, एग्री? तो 1.4 बिलियन आईपी तो थोड़े दिनों में ही खत्म हो जाती। मैंने क्या कंसेप्ट बनाया, कंसेप्ट समझना आप ध्यान से। मैंने जैसे इट्स लाइक दिस, मेरे पास टोटल 1000 नंबर थे, ठीक है जी, मेरे को वो क्या करने थे? असाइन। यही आईपी एड्रेस का खेल है। मेरे पास 0 से लेकर 255 तक की सीरीज के क्या है? आईपी एड्रेस, और मुझे वो क्या करने हैं? असाइन, एग्री? अब मैं इस एग्जांपल को ऐसे समझा रहा हूं, मेरे पास 1000 नंबर है, मुझे वो क्या करने हैं? असाइन। मैंने क्या किया यार, 500 नंबर ना लोगों में बांट दिए, भाई तुम इसमें से कोई भी नंबर ले लो। लेट्स से वो नंबर थे 1 2, और सॉरी, थैंक यू, शुक्रिया। अब आया मजा, अब खुला गला, ठीक है जी। मैंने क्या किया, 500 नंबर लोगों में बांट दिए। चलो ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोगों जिनको इंटरनेट चाहिए और मैं हूं आईपी देवता, फाइन। मैंने बोला हाँ भाई, ये 500 नंबर है, कोई भी यूज करो। आपने नंबर यूज किया 1, आपने 2, अब 500 नंबर थे, इनको पता थोड़ा ना ये 1 यूज कर रहा है। उसने भी क्या यूज कर लिया? 1। उसने भी क्या यूज कर लिया? 1। उसने 2 यूज किया, 10, वैसे ही 500 नंबर बट गए आप लोगों में। कई लोगों के सेम भी थे, कई लोगों के डिफरेंट भी थे। अब होगा क्या, उस नंबर को यूज करके आप सिर्फ अपने होम नेटवर्क में बात कर सकते हो। किस में बात कर सकते हो? मैंने एक रूल बना दिया कि भाई किसी को भी अगर आपस में बात करनी होगी ना, एक पब्लिक नेटवर्क के थ्रू बात करनी होगी, मतलब जब भी किसी को मेरा यूज करना होगा, फाइन। मैंने आपको आईपी दी यूज करने के लिए, अब आप दिल्ली चले गए, आप गुड़गांव रह गए, अब आप बात कैसे करोगे? आपके पास तो एक अपनी आईपी है, बीच में कोई कनेक्शन थोड़ा है, एग्री और नॉट? यहां तो हम सारे साथ बैठे हैं, हम आपस में बात कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैंने एक रूल बनाया कि जब भी आप कोई सर्विस लोगे, आपकी ये प्राइवेट जो मैंने आपको नंबर असाइन दिया है, बांटा हुआ है फ्री में, इसके बेसिस पे आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, आपको मेरे से एक नंबर लेना पड़ेगा, फाइन। तो इन भाई ने क्या किया, इनका नंबर क्या था? 1, ठीक है जी। इन्होंने मेरे से एक नंबर खरीद लिया 501। अब मैं ये 501 नंबर किसी और को असाइन नहीं कर सकता, तो मेरे लिए एक नंबर वाले यूजर की आइडेंटिटी क्या हो गई? 501। अब दूसरा एक नंबर वाला यूजर था, मैंने उसको आइडेंटिटी क्या दे दी? 502। देखो अगर एक नंबर के यूजर है, ये एक ऐसे लगा लो, एक नेटवर्क है मेरे पास, ठीक है जी, ये कोई नेटवर्क है 1.0.0.0। सोच लो कि भाई हमने आईपी के बारे में पढ़ा था, आईपी कितनी बड़ी होती है? 32 बिट, 32 बिट की होती है, फाइन। तो मैंने ऐसा सोच लिया, हाँ भाई मेरा कुछ ऐसा नेटवर्क है, फाइन। एक नेटवर्क मिल गया, आपने अपने यूजर्स को आईपी दी और खुद बात आपस में करनी शुरू कर दी। लेकिन आप लोग कभी भी इंटरनेट से बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने जो आपको स्पेस प्रोवाइड किया हुआ है फ्री का, और इंटरनेट फ्री में नहीं चलता। जब भी आपको इंटरनेट एक्सेस करना है या फिर किसी और नंबर से बात करनी है, आप कभी भी अपना वो प्राइवेट एड्रेस यूज करके बात नहीं कर सकते। आपको कौन सा एड्रेस खरीदना पड़ेगा मुझसे? पब्लिक एड्रेस। और पब्लिक एड्रेस से बेनिफिट क्या होगा, समझो। आज के टाइम में क्या है, अगर एक बंदे को इंटरनेट चलाना है,
तो उसको एक क्या चाहिए, पब्लिक आईपी। पर ऐसा नहीं है, एक्चुअली है क्या, एक कंपनी है, एक कंपनी में 1,000 यूजर है। अगर वो सब लोग अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन लेते तो एक अलग अलग पब्लिक आईपी लेते, एक अलग अलग पब्लिक आइडेंटिटी उनको लेनी पड़ती, एक को 502, 503, 504, 505, 506। मैंने इस हाउ आई कैन एक्सप्लेन दिस थिंग, ओके लाइक दिस, मुझे अपनी आईपी एड्रेस शॉर्टेज को क्या करना था, मिनिमाइज करना था, एग्री और नॉट। मैंने क्या किया, तुम सारे ग्रुप ऑफ पीपल हो, तुम्हारी अपनी अपनी कुछ आईपी है, तुम अपना नेटवर्क में बैठ के आपस में बात कर रहे हो, मैंने तुम सबको एक पब्लिक आइडेंटिटी दे दी 510। तुम सब लोग जब इंटरनेट से बात करोगे तुम्हारी आइडेंटिटी क्या होगी, और आपस में बात करोगे तो जो मैंने एक से 500 तक आइडेंटिटी बांट रखी है वो आइडेंटिटी तुम यूज करोगे, फाइन। तो उससे बेनिफिट क्या हुआ, मल्टीपल लोग जिनकी सेम प्राइवेट आइडेंटिटी है वो एक पब्लिक आइडेंटिटी के बेसिस पे बात कर सकते हैं, एग्री। तो इससे आईपी एड्रेस की वेस्टेज क्या हो गई, कम हो गई। तो प्राइवेट और पब्लिक का मतलब क्या है कि मेरे मेरे पास एक स्लॉट था, मैंने उस स्लॉट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो दो पार्ट्स कौन से हैं, एक तो यूजर डिपेंडेंट और एक यूजर इंडिपेंडेंट। यूजर डिपेंडेंट किस पे है, पब्लिक पे। किस पे डिपेंडेंट है भाई, प्राइवेट तो वो कैसे भी और कभी भी यूज कर सकता है। अब टेक्नोलॉजी वाइज एग्जांपल देखते हैं, मेरे को नेटवर्क बूस्ट पे नेटवर्क लगाना था भाई, मैंने क्या किया, एक प्राइवेट नेटवर्क यूज किया। प्राइवेट नेटवर्क क्या यूज किया, मैंने कोई भी ले लिया, मैंने 200 नंबर का नेटवर्क बना लिया और सब यूजर्स को कौन से नेटवर्क की आईपी दे दी, 200 नंबर के नेटवर्क की आईपी असाइन कर दी भाई। अब अगर मुझे नेटवर्क बुल्स की किसी और साइट से बात करनी है जो दिल्ली में है, तो मैं उस 200 की आईपी के बेस पे उनसे बात नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, इंटरनेट आईएसपी को फोन करूंगा, भाई मुझे क्या चाहिए, पब्लिक आइडेंटिटी। क्या चाहिए, पब्लिक आइडेंटिटी, वो मुझे देगा। उसने मेरे को पब्लिक आइडेंटिटी दी 510। अब मेरा कोई भी यूजर अगर बाहर जाता है वो किससे जाना जाएगा, 510। और आपस में तुम बात कर रहे हो तो क्या बन के कर रहे हो, 200 भाई। तो इससे क्या होगा, मल्टीपल यूजर्स एक पब्लिक आईपी पे, एक पब्लिक आइडेंटिटी पे इंटरनेट और मेरे नेटवर्क को एक्सेस कर सकेंगे। दूसरा बेनिफिट, मुझे पहले अगर मैं ऐसा कुछ ना करता तो मुझे एक से लेके 1,000 नंबर तक का हिसाब रखना था, अब मुझे कितने नंबर्स का हिसाब रखना है, सिर्फ 500 जो मैंने डिवाइड किए हुए किस किए। ये बात समझ में आई, कोई इशू इसमें, तो मैंने प्राइवेट और किसमें डिवाइड कर दिया, पब्लिक में। फाइन, अब आपको कहोगे सर कौन सी आईपी एड्रेस है प्राइवेट में पब्लिक में, डिवीजन यहीं पे खत्म नहीं हुआ। मैंने आईपी एड्रेस को फिर फर्दर डिवाइड किया किसमें, क्लासेस में। फाइन, अब मैंने क्या बनाई, क्लासेस बनाई 5A B C D R E। किसके बेसिस पे बनाई, दो मिनट रुक जा, ठीक है जी, 2 मिनट। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू इन द फर्स्ट ऑक्टेट, एक क्लास के बारे में बता दूं, फिर उस क्लास को कंपेयर कर दूंगा प्राइवेट और पब्लिक से। फाइन, अभी बता, इतना समझ में आया जो लिखा सबको। हाँ भाई, आपको समझ में आया, पढ़ो इसको क्या लिखा, नहीं उनको बोल रहा हूँ मैं, आप पढ़ो सर। हाँ हाँ आई डिवाइड आईपी एड्रेस इनटू डिफरेंट क्लासेस, कितनी क्लासेस बनाई मैंने, 5A B C D R E। किसके बेसिस पे बनाई, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू इन द फर्स्ट। इसका मतलब जब भी मेरे से वो ये सवाल पूछेगा कि ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, मुझे अभी नहीं पता, मैं सिर्फ क्या चेक करूंगा, फर्स्ट ऑक्टेट में क्या वैल्यू है, इस वैल्यू के बेस पे मैं डिसाइड करूंगा ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। क्लियर,
ठीक है जी। सबसे पहले कौन सी क्लास बनी? ए। टोटल रेंज कहां से कहां तक थी? यही रेंज थी टोटल। तो पहले ऑक्टेट में मिनिमम वैल्यू क्या होगी? और मैंने क्लास ए के लिए वैल्यू डिफाइन की 127। फाइन। अब कुछ लोगों के माइंड में आएगा, यार ये 127 ही क्यों लिया, 135 क्यों नहीं लिया, 120 क्यों नहीं लिया, 110 क्यों नहीं लिया। अभी रीजन बताऊंगा कि ये डिवीजन कैसे हुआ। पर उससे पहले आपने दोबारा पूछा था प्राइवेट और पब्लिक के बारे में, तो एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे लगा लो यार, 0 से 127 को मैंने डिवाइड कर रखा है कि भाई 0 टू 64 तो कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है जी। लेकिन 65 टू 127 कोई भी यूज नहीं कर सकता। ये कौन यूज करेगा? आईएसपी भाई। ये आप ओ आईपी क्या करनी पड़ेगी? परचेज। फाइन। अब देखो, ये कौन है? आईएसपी। फाइन। ये एक साइट है, ठीक है जी। इस साइट में लोग बहुत सारी आईपी यूज करते हैं, 1 भी यूज करते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी। लेकिन आईएसपी इसको किससे जानता है? ठीक है, यहां भी लोग हैं, एक और साइट है, लेट से यूज करते हैं, लेकिन आईएसपी इसको कैसे जानता है? तो यहां यूजर क्या है? मल्टीपल। इन सब की आइडेंटिटी आईएसपी के लिए क्या है? इन सब की आइडेंटिटी आईएसपी के लिए क्या है? एग्री। आपस में बात करने के लिए इनके पास अपने एड्रेसेस हैं, और इंटरनेट से बात करने के लिए भी इनके पास अपने एड्रेसेस हैं। दिस थिंग इज क्लियर। दीज पर्टिकुलर आईपी एड्रेसेस आर कॉल्ड एंड दीज पर्टिकुलर आईपी एड्रेसेस आर कॉल्ड पब्लिक। अब ये आईपी एड्रेस के टर्म में रेंज क्या है, ये आप इंटरनेट पे चेक कर लेना, या आपको आपकी बुक में मिल जाएगी। फाइन, समझ में आ गया भाई? तो मैंने क्लास ए की आपको रेंज क्या बताई। अब इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यार ये रेंज आई कैसे? मैंने एक बात लिखी थी पिछली स्लाइड पे, किसी ने पढ़ी थी? आई डिवाइड क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू इन द फर्स्ट ऑक्टेट में कितनी बिट्स है? 8 बिट्स है। लिख लो 8 बिट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिवाइड कर दिया, 8 बिट है। इन्हीं को मैनिपुलेट करके मैंने क्लासे बनाई है सारी, ठीक है जी। अब एक बात बताओ यार, मुझे क्या करना है? इन बिट्स को यूज करके एक रेंज निकालनी है, ठीक है जी। इसका मतलब मेरे को एक मिनिमम और एक मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड करनी है, एग्री। तो मैं मिनिमम स्टार्ट तो कहां से करूंगा? 0 से, ठीक है जी। बिट दो ही चीजें हो सकती हैं बिट के साथ, या तो वो ऑफ होगी या वो ऑन होगी, या तो वो 1 होगी या वो 0 होगी। अगर मैंने यहां पे किसी भी बिट को 1 कर दिया, किसी भी बिट को 1 कर दिया, बताओ किसको करूं? हाँ, इन 8 बिट्स हैं, ऐसे हैं 8, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, ऐसे 8 बिट्स हैं। किसको वन करो? सेवंथ को वन कर दिया। सेवंथ को वन करते ही मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 64। मतलब अगर मैंने किसी बिट को वन कर दिया, एक वैल्यू आएगी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है वो। मिनिमम कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी? एक बिट को वन करने की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है। तो अगर मिनिमम वैल्यू ही वही आ गई, तो उससे कम वैल्यूज मैं कभी यूज नहीं कर पाऊंगा, एग्री। बट आई एम ट्राइंग टू से, दोबारा सुनो, मैं कह रहा हूं मेरे को यहां पे बिट को वन करना है, मेरे को एक रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए या तो मैं बिट को वन करूंगा या मैं, अगर मैंने बिट को वन कर दिया, लेट से मैंने इस बिट को वन कर दिया, सॉरी मैंने इस बिट को वन कर दिया, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका मतलब 0 से 3 में कभी भी यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब मेरे को मिनिमम वैल्यू क्या रखनी है? 0। तो मेरे को बिट भी कौन सी यूज करनी पड़ेगी? 0, एग्री। तो मैंने क्या किया, उठा के 8th बिट को रिजर्व मार दिया,
क्या रिजर्व कर दिया, जीरो, कि जब भी मैं क्लास ए की रेंज निकालूंगा मैं इस बिट को जीरो ही रखूंगा, इस बिट को चेंज नहीं करूंगा, ठीक है जी। अब जब मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी थी मैंने बाकी सारी बिट्स को क्या कर दिया ऑफ, और जब मैक्सिमम निकालनी थी बाकी सारी को क्या कर दिया ऑन। देखो इट्स लाइक दिस यार, एक कमरा था उसमें 8 ट्यूबलाइट थी, मैंने स्टार्ट किया कि भाई मैंने देखना था एक रेंज निकालनी है मिनिमम और मैक्सिमम की, तो मैंने एक ट्यूबलाइट पहले ही बंद कर रखी है, भाई ये नहीं जलेगी, अगर मैं सबको जला दूंगा तो क्या आ जाएगी मैक्सिमम रोशनी, और सबको बंद कर दूंगा तो क्या हो जाएगी फिर मिनिमम रोशनी। तो इससे यूज कितनी बिट्स होंगी, सिर्फ 7, कितनी बिट्स यूज होंगी, एक क्या रहेगी हमेशा रिजर्व, फाइन। अब इसको जीरो रिजर्व करते ही जब मैंने बाकी सबको क्या कर दिया जीरो, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी, मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, रेंज, रेंज का मतलब सबसे पहले मैंने रीजन बताया मैंने इस बिट को जीरो क्यों बनाया, अब मैं क्या निकाल रहा हूं रेंज, जीरो 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 जीरो, ये भी जीरो, मिनिमम वैल्यू क्या आ गई जीरो, यही तो मुझे चाहिए था, और मैंने बाकी सारी बिट्स को अब क्या कर दिया वन, वैल्यू क्या आ गई 120, 255 माइनस 128, बाइनरी याद है सबको, ठीक है जी। अब क्लास ए ने कहां से कहां तक कवर कर लिया, ठीक है जी। अब किसकी बारी आई, क्लास बी की, कहां तक खत्म हो चुकी थी फर्स्ट ऑक्टेट में वैल्यू, अगला ऑक्टेट स्टार्ट कहां से होना था, मैंने इस बिट को सीधा क्या कर दिया वन और क्या कर दिया रिजर्व, क्योंकि अगर ये जीरो हो गई तो 127 से वैल्यू क्या हो जाएगी कम, और क्लासेस क्या कर जाएंगी ओवरलैप, समझ गए, दिस थिंग इज क्लियर, आपको समझ में आया। सर आपको बाइनरी और डेसिमल आता है, ये आपको समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया कम कैसे हो जाएगी, ठीक है। देखो अगर इस बिट्स को कोई जीरो रिजर्व कर देता तो ऐसा चांस था ना कि जो सम करने के बाद वैल्यू क्या होती, वो क्या होती लेस देन, हो सकता था ऐसा, एग्री, तो दोनों क्लासेस क्या कर जाती, तो दोनों क्लासेस कभी भी ओवरलैप ना करे, उसके लिए मैंने इस बिट को क्या रिजर्व कर दिया वन, ठीक है जी। अब मैंने इस बिट को दोबारा क्या रिजर्व किया जीरो, इसका मतलब क्लास बी में कितनी बिट्स रिजर्व हुई और ए में कितनी हुई थी वन, क्लास वन में यूजेबल बिट्स कितनी थी 7 और बी में कितनी है 6, ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। आगे चलते हैं, फंडा वही करना है, मिनिमम और मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालने के लिए बाकी सारी बिट्स को क्या कर दूंगा और मैक्सिमम निकालने के लिए कर दिया, मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम निकालनी है 255 माइनस 64, वैल्यू क्या आ गई 191, ये किसकी रेंज आ गई क्लास बी, समझ में आ गया। अब पानी कहां तक जा चुका है, अगली क्लास कहां से स्टार्ट होगी, पहली दो बिट को क्या रिजर्व कर दिया वन, अब तीसरी बिट को क्या कर दिया जीरो, फिर बाकी सारी बिट को क्या कर दिया, तो फिर क्या कर दिया एक मिनिमम वैल्यू आ गई, क्या आई मैक्सिमम, क्या आई 22, टोपे वाले भाई समझ में आ रहा है ना पक्का, ठीक है भाई जान आए बता दियो, ठीक है भाई तो थिंग इज क्लियर। ये कौन सी क्लास आ गई, क्लास सी में नेटवर्क यूजेबल बिट्स कितनी है, बी में, ए में, कोई दिक्कत किसी को, इस पे आ गया
ठीक है, फिर पहला ऑक्टेट ही था, कहां तक वैल्यू जा चुकी है? 223 तक। क्या कर दिया इनको? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रिजर्व 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 रिजर्व, बाकी चार क्या कर दी? बाकी क्या कर दी? मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? मैक्सिमम क्या आ गई? ठीक है जी, अब किसकी बारी आई? कह रहा भाई जो बच गया उसको प्लस ही बना दो। अब पता, कई लोग पूछ रहे हैं सर क्लास ई में कितनी मिनट्स रिजर्व है। अगर मैं रिजर्व कर दूंगा ना बेट, मैं क्लास ही बना ही नहीं पाऊंगा, करके देख लो। क्या बोला मैंने? अगर मैं रिजर्व कर दूंगा बिट्स तो मैं क्लास ही। तो उसने क्या किया, जो रह गया उसको क्या बना दो? क्लास ही। बना के देखना, लॉजिक लगा। 16वीं बिट भी ऑन कर दे, फिर एक ऑफ करेगा, 8 ऑफ रह जाएगी। 255 -8 247, फिर एक और क्लास बना, फिर और क्लास बना, ऐसे पहुंचेगा तो 255 तक। 255 तक तो कभी पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि आखिरी बिट क्या है? 1। -1 करेगा, 254 तक ही पहुंचेगा। तो उसने क्या कहा भाई, छोड़ा यहीं पे, छोड़ दिया, जो रह गई आईपी वो किस क्लास में डाल दी? क्लास ई में। इतना क्लियर भाई सबको, क्लासेस बनी कैसे? अब मेरे पास कितनी क्लासेस है? 5। ए बी सी डी आर, रेंज बी सी डी, कोई इशू? अब हम स्टार्ट करेंगे कहानी अपनी क्लास ए से। ठीक है जी, करें स्टार्ट। कोई इशू किसी को? नहीं। सॉरी यार, अब मैं क्या करूंगा यार, अब मैं क्लास ए को रिलेट करूंगा क्लास ए के सबनेट मास्क के साथ। भाई कि क्लास ए की आईपीस अपने सबनेट मास्क को यूज कैसे करेंगी, या फिर मैं किसी भी सबनेट मास्क को आईपी के साथ रिलेट कैसे करता हूं। भाई यार, अब क्लास ए की रेंज कहां से कहां तक है इसमें? 12 बजे रात को। अरे रात को, रात को बताएंगे। 127.0.0.0, 0.0.0 से लेके 127.0.0.0 तक। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है भाई, यही रेंज होगी इसकी। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। पहली आईपी ये होगी, दूसरी ये होगी, लास्ट। कोई इशू किसी को इस बात में, इस बात को समझने में? आ जाओ यार, बैठो।
अब यार मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने एक आईपी लिखी 1.1.1.1, फिर एक आईपी लिखी, ये दोनों एक ही क्लास की है, कुछ तो फर्क होगा इसमें, एग्री और नॉट? कुछ तो डिफरेंस होगा भाई, एक वन से स्टार्ट हो रही है और दूसरी टू से, एग्री? अब यार एक बात बताओ मेरे को, क्या बनाना है इनसे? नेटवर्क, एग्री? एक नेटवर्क में फॉर ऑल पीपल नेटवर्क पार्ट क्या रहेगा? सेम, और होस्ट पार्ट क्या होगा? डिफरेंट। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके। एक फैमिली थी, फैमिली में सबका सरनेम क्या था? सेम, और होस्ट नेम क्या था? भाई देखो, नेटवर्क में हर एक बंदे को अपनी एक अलग आइडेंटिटी चाहिए। आ जाओ यार, अब मैंने क्या करना है यार, मेरे को एक मेथड चाहिए जो क्या कर सके, बिट्स को माफ, टोटल कितनी बिट्स है? 32। किस में डिवाइडेड है? ऑक्टेट्स में, ठीक है। मेरे को एक मेथड चाहिए जो ये मार्क कर सके, भाई इन दो आईपीस में अगर ये पर्टिकुलर बिट सेम है तो ये सेम नेटवर्क से बिलोंग करती है, अगर इस पर्टिकुलर आईपीस में ये पर्टिकुलर बिट सेम नहीं है तो ये डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करती है। दिस थिंग इज क्लियर? कोई इशू किसी को? फाइन। उस मार्किंग मेथड को क्या बोलता हूं मैं? सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या करेगा? मार्किंग। क्या करेगा? मार्किंग। कैसे मार्किंग करेगा? देखे, ठीक है, सबनेट मास्क भी एक 32 बिट वैल्यू है जो किसमें डिवाइडेड है? फोर। एक ऑक्टेट में कितनी बिट्स होती है? 8। लेकिन सबनेट मास्क का एक रूल है, क्या? हर क्लास के लिए इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू है, चेंज भी हो सकती है, लेकिन हर क्लास की आईपी को पहले ये एक तरीके से देखता है, ठीक है जी। जो क्लास आप क्या कर, मैं इस चीज को ऐसे समझा सकता हूं, आपने लिखा 1.1.1.1, आपके कंप्यूटर को पता चल जाता है कौन सी क्लास है? ए। इसकी मार्किंग डिफाइन कर रखी है कंप्यूटर ने पहले ही, इसकी मार्किंग मैं इस तरीके से करूंगा। मैंने कोई आईपी लिखी 165, इसकी मार्किंग भी डिसाइड कर रखी है कंप्यूटर ने कि इसकी मार्किंग मैं इस तरीके से करूंगा, ठीक है जी। जब कंप्यूटर क्लास ए के आईपी एड्रेसेस की मार्किंग करता है तो सिर्फ कौन सी ऑक्टेट तक करता है? पहली। जब क्लास बी की मार्किंग करता है तो पहली दूसरी दोनों, क्लास सी की करता है तो पहली दूसरी और तीसरी। अभी भी कुछ लोगों के माइंड में कंफ्यूज होंगे मार्किंग का मतलब क्या है, ठीक है जी। अब देखते हैं मार्किंग कैसे करते हैं। मैंने एक आईपी लिखी 1.1.1.1, 2.2.2.2, मेरे को चेक करना है दे बिलोंग टू सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क। फाइन, कैसे चेक करूंगा? सबसे पहले मुझे चेक करने के लिए क्या पता होना चाहिए? अगर मुझे सबनेट मास्क नहीं पता, मतलब मेरे पास मार्किंग टूल नहीं है, मैं मार्क नहीं कर सकता। अब क्लास ए के लिए सबनेट मास्क डिफॉल्ट होता क्या है, ठीक है जी। तो क्लास ए के लिए जो नोटेशन डिफाइन है वो क्या है? क्लास ए बनाने वाले ने पहले ही डिसाइड किया हुआ था क्या, कि भाई पहला ऑक्टेट मैंने किसको दे दिया है?
और बाकी तीन ऑक्टेट किसको दे दिए हैं, होस्ट। इसका मतलब क्लास ए में रहते हुए अगर आईपीस को सेम नेटवर्क से बिलोंग करना है, उनका कौन सा ऑक्टेट मैच करना चाहिए पहला? एग्री? अगर मैं कहूं एक आईपी है 1.1.1.1 और एक आईपी है 1.1.1.2, या एक आईपी है 1.0.0.1 और दूसरी आईपी है 1.0.0.255, क्या सेम नेटवर्क से बिलोंग करते हैं? हाँ, क्योंकि इनका पहला ऑक्टेट क्या है, इनका नेटवर्क पार्ट क्या है, सेम। एग्री? मैंने बोला एक आईपी है 10.20.30.50, एक आईपी है 10.21.89.255, ये दोनों सेम नेटवर्क से बिलोंग करते हैं? हाँ, क्योंकि इनके पहला ऑप्शन मुझे दिख रहा है क्या है, सेम है। एग्री? अब कंप्यूटर मार्किंग करने के बाद कुछ तो रिजल्ट कैलकुलेट करता होगा। एग्री? मार्किंग कर रहा है वो बिट्स मैच करता है। एक्चुअली आपने लिखा 10.10.10.10, आपने लिखा 10.20.30.20, एक ऊपर लिख लिया एक नीचे लिख लिया। अब कंप्यूटर ने क्या चेक करना है कि इनकी पहली ऑक्टेट सेम है या नहीं है, क्योंकि नेटवर्क पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ पहली ऑक्टेट में, कौन सी क्लास में, क्लास ए में। एग्री? कंप्यूटर चेक करेगा, हाँ भाई इस आईपी की पहली ऑक्टेट में वैल्यू क्या है, 10। उसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा, 0000 1010। दूसरी आईपी देखी, उसके पहले ऑक्टेट में वैल्यू क्या है, 10। उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, क्या आया, 0000 1010। ये बिट्स क्या है, सेम, मतलब ये सेम नेटवर्क से बिलोंग करती है। उसको बाकी बिट्स अभी चेक नहीं करनी, दिस थिंग इज क्लियर। वो मार्किंग करके से रहा है। अब मैं क्या कह रहा था, वो मार्किंग करने के बाद कोई वैल्यू भी तो निकालता होगा, उस वैल्यू को बोलते हैं नेटवर्क आईडी। क्या बोलते हैं? तो एक्चुअली मार्किंग होने के बाद इट्स लाइक दिस, आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क, आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क, दोनों की अपनी अपनी मार्किंग हुई। मार्किंग होने के बाद दोनों तरफ से रिजल्ट में क्या आई, नेटवर्क आईडी। अगर वो मैच कर गई तो वो सेम नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, नहीं की तो वो डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करते हैं। अब आप कहोगे सर नेटवर्क आईडी क्या होगी, अगर आप फैमिली वाले एग्जांपल में नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो नेटवर्क आईडी का मतलब होता है हेड ऑफ द फैमिली। आपके घर पे शादी का कार्ड आता है, सबके घर पे आता है, उस पे किसका नाम लिखा होता है, पापा का, सबका लिखा होता है, कहाँ रहते हो, हाँ मेन पापा का नाम लिखा होता है और नीचे लिखा होता है विद फैमिली। इसका मतलब ये नहीं है वो सिर्फ आपके पापा को इनवाइट कर रहे हैं, उनको पता है इस नेटवर्क का हेड कौन है, उसके पापा। एग्री? इतनी बात समझ में आई? वैसे ही एक नेटवर्क का हेड को मैं क्या बोलता हूँ, नेटवर्क आईडी। अगर दो आईपी एड्रेसेस के लिए नेटवर्क आईडी सेम है, अगर दो बच्चों के पापा सेम है, वो सेम नेटवर्क से बिलोंग करेंगे, अगर उनके पापा ही अलग है तो कॉम्प्लिकेशंस आर ऑलवेज देयर मैन। ओके, कॉम्प्लिकेशंस मिल जाएंगे आपको रियल टाइम में, लेकिन नेटवर्किंग में कभी कोई कॉम्प्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फाइन, दिस थिंग इज क्लियर, ये बात सबको समझ में आई। तो नेटवर्क आईडी किसको रिप्रेजेंट करती है, मेरे नेटवर्क को, ठीक है जी। अब हमें डिस्कस करना है नेटवर्क आईडी कैलकुलेट कैसे होगी, जिस मार्किंग की मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं वो मार्किंग मैं कैसे करूंगा। फाइन, ठीक है जी, मैं आपको वही वे बताऊंगा जिस वे से कंप्यूटर मार्किंग करता है। फाइन, तो गाइस ये सबनेट मास्क था, ये तो मैंने एक नोटेशन लिखी हुई है। अगर मैं इसको सबसे पहले कन्वर्ट करूंगा किसमें, बाइनरी से क्या बनाऊंगा, डेसिमल, ठीक है जी। कितनी बिट्स है ये कितनी बिट्स है, हमेशा याद रखना नेटवर्क बिट्स क्या होती है और होस्ट बिट्स क्या होती है। ऐसा क्यों है, सवाल तो यहां भी आ सकता है कि सर ऐसा ही क्यों है कि नेटवर्क बिट्स क्या होती है, 1, और होस्ट बिट क्या होती है, 0। तो एक्चुअली यार मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी नंबर को मैं एक्चुअली क्या करूंगा, किसी भी नंबर को उसके सबनेट मास्क से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक आईपी है 10.10.10.10, ठीक है, मैं हर ऑक्टेट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सबनेट
मास्टर, इधर दूसरी आईपी लूंगा उसको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सबनेट, अगर एंड रिजल्ट सेम आएगा तो किससे बिलोंग करते होंगे, अगर डिफरेंट आएगा तो। अगर मैं नेटवर्क बिट्स को ही जीरो ले लेता तो नेटवर्क पार्ट क्या आ जाता मेरे पास, जीरो, मैं कभी वेरीफाई कर ही ना पाता, तो मेरे को नेटवर्क बिट्स को क्या रखना पड़ा, वन, और होस्ट को क्या रखना पड़ा, क्योंकि मुझे होस्ट पार्ट चेक, मुझे चेक क्या करना है, नेटवर्क पार्ट, मुझे पता है होस्ट पार्ट तो पहले ही क्या होगा, डिफरेंट, एग्री, होस्ट पार्ट पहले ही क्या है मेरे को पता है क्या रहेगा, डिफरेंट, नेटवर्क पार्ट मेरे को पता है पहले ही क्या रहेगा, सेम, तो मैंने नेटवर्क पार्ट को क्या बनाया, वन, ठीक है जी। हाँ जी, तो बाइनरी में कन्वर्ट करें इसको, कितनी बिट्स है, आठ, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, होस्ट के कितनी है, थ्री की है, क्या हो गया फिर, ठीक है भाई। अब इसको किसमें कन्वर्ट करूंगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी, कितनी नेटवर्क बिट्स है यहाँ, एक, या तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ऐसे ये लिख के, या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ स्लैश एट, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्लैश नोटेशन, तो ये हो या ये हो, ये मुझे सेम बात ही तो बता रहा है, ये भी क्या बता रहा है कि पहला ऑक्टेट क्या है, नेटवर्क का, किसका है पहला ऑक्टेट, और बाकी तीन ऑक्टेट किसके हैं, और ये भी तो यही बता रहा है कि पहली आठ बिट किससे बिलोंग करती है, नेटवर्क से, फॉर्म अलग है, ये कौन सा फॉर्म है, डेसिमल, ये कौन सा फॉर्म है, स्लैश, बाइनरी, बाइनरी फॉर्म ये था, ठीक है भाई, बहुत बेसिक से चल रहे हैं हम, फाइन, इतनी बात यही खत्म करें। अब आईपी एड्रेस और इसको यूज कैसे करना है, क्या कैलकुलेट करने के लिए, नेटवर्क आईडी, हाँ भाई कोई भी आईपी एड्रेस बोलो, अरे भाई क्लास ए का, हाँ यार मुश्किल था बोलना, मजा भी आया करने में, ठीक है भाई, स्लैश क्या लिख लिया, एट, इस स्लैश एट का मतलब सबको पता है क्या मतलब है, स्लैश एट का, स्लैश एट का मतलब, किसकी है, नेटवर्क की, एट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, नेटवर्क, दोबारा पूछूंगा ये बात, किसी को ना पता होगी तो पनिशमेंट है, ठीक है जी, कॉपी में 20 बार लिखेगा कि स्लैश नोटेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, नेटवर्क, उसको फिर नहीं भूलेगा कभी। आईपी क्या थी, स्लैश क्या है, डर कितना है इनको, कॉपी में ना लिखना पड़े अभी से बोल रहे, ठीक है भाई, स्टेप वन, ठीक है जी, पहला स्टेप कन्वर्ट आईपी एड्रेस इनटू बाइनरी, 10 को कन्वर्ट करें, 11 को करें, 12 को करें, 0000110 1, स्टेप टू कन्वर्ट सबनेट मास्क इनटू बाइनरी, करें कन्वर्ट, कितने वन आएंगे, कितने वन आएंगे, एट, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, बाकी सब क्या होगा, मुश्किल है ये, हाँ जी, इज इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मल्टीप्लाई करना आता,
चलो आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार मैं एक फॉरनर को पढ़ा रहा था, 0 into 1, 0 into 1, 0 into 1, 0 into 1, 1 into 1, 0 into 1, 1 into 1, 0 into 1। अब एक बात बताता हूँ आपको, ये नंबर क्या है? इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, सारे वन आएंगे। अब किसी भी नंबर को आप जब भी वन से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर पाओगे। तो क्या ये मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत थी? मुझे ऐसे ही पता चल गया कि इसके नीचे वैल्यू हमेशा क्या ही आएगी, 10। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा? किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा? किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा? तो दोबारा बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं, 10./, ये क्या आ गई? सर आप कहोगे सर आप पागल बना रहे हो, ये आईपी एड्रेस और ये नेटवर्क आईडी है, मिलती भी नहीं है ये तो आपस में। मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये आईपी एड्रेस इस नेटवर्क का क्या है? पार्ट है। अपनी फैमिली के बारे में सोचो, कहां से शुरू हुई थी और आज कितनी रह गई है, कितनी के बारे में हमें पता है? कितनी फैमिली पता है आपको? आपको अपनी कितनी पीढ़ियां पता है? 2 मैक्सिमम, 3 कोई ज्यादा फैमिली में रहता होगा, 4 उससे ज्यादा तो नहीं पता। ठीक है जी, अब बताता हूं इस वैल्यू से उस वैल्यू तक पहुंचूंगा कैसे। मेरी नेटवर्क आईडी क्या आई, यहां से नेटवर्क क्या होगा? 8 हो गया। पहली वैल्यू क्या आएगी, दूसरी, तीसरी, ये वैल्यू कहां पहुंच जाएगी? इतनी बात समझ में आई सबको? कोई पीछे तो नहीं रह गया? भाई आप आज ही आए हो तो यार आप एक काम करना, वीकेंड आपके पास बुक मिल जाएगी आपको, या इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ के आना, वरना मंडे को प्रॉब्लम होगी। भाई सर टॉपिक आईपी एड्रेस है, भाई आपने पढ़ी हुई है चीज़ें पहले कॉलेज में, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, वरना वीडियो दोबारा देख लेना, आप लेट आए थे ना क्लास में, मैंने शुरू से ही स्टार्ट किया था। भाई अब ये ऑक्टेट क्या हो गया? इंक्रीमेंट किस ऑक्टेट में हो जाएगा? 3rd ऑक्टेट में, क्योंकि 4th ऑक्टेट क्या हो गया? फुल। तो ऐसे ही कहानी चलेगी। अब आईपी एड्रेस क्या बन जाएगा? 1.0, एग्री? दोबारा क्या आएगा अगला? फिर वैल्यू क्या आ जाएगी? फिर वैल्यू क्या आएगी? ठीक है जी, इतना समझ में आया सबको? अभी एक ही नेटवर्क से बिलोंग कर रही है सारी, जहां तक अभी मैं चलता जा रहा हूं। तेरी वो आईपी तो आई नहीं अभी, जिसको हमने लिया था वो भी आएगी, रुक जाओ वेट तो करो। 10.0.3.0 भी आएगा, आएगा या नहीं आएगा? पक्का यकीन है तुम्हें आएगा? चलो ठीक है, तो ऐसे ही कभी 10.0.255.0 भी आएगा। जब इतना सब कुछ आएगा तो भाई ये भी आएगा, उसके बाद क्या होगा? ये ऑक्टेट अब क्या हो गया? होल इंक्रीमेंट कौन से ऑक्टेट में हो जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा? 1, 10.1.0.0 आ गया, 10.1.0.10.1.0.10.1.0. अब देखो कहानी कितनी बड़ी है, कैसे चल रही है। यहाँ क्या आ गया? अब ये ऑक्टेट फिर क्या हो गया? अब फिर बात किस पे आएगी? इस ऑक्टेट पे। वैल्यू क्या आएगी? 10.1.1.0। ठीक है जी, अब फिर ये ऑक्टेट क्या हो जाएगा? फिर बात कहां पे पहुंचेगी? कंफ्यूज तो नहीं है ना कोई इसमें? ठीक है, पहले कौन सी ऑक्टेट भरेगी? 4th। इंक्रीमेंट किस पे होगा? फिर 3rd क्या हो जाएगी? 4th। फिर इंक्रीमेंट किस पे होगा? क्लियर है सबको? पक्का क्लियर भाई? पक्का चले आगे इसी चीज को।
मैंने स्टार्ट कहाँ से किया भाई? तेरे को यहां तक समझ में आ गया होगा, मेरे को बता दू कहाँ कंफ्यूज हो रहा है। यहां तक आ गया समझ में? पक्का? भाई ये कंप्लीट हो गया ना, पूरा ऑक्टेट फुल हो गया, तो इंक्रीमेंट किसमें कर दिया? इसमें, इस वैल्यू के लिए लिए तो ये वैल्यू पड़ी है ना अभी, वन के साथ थोड़ा ना यूज किया मैंने, यूज इसको किसके साथ किया है? जीरो के साथ। एग्री? अगली वैल्यू क्या आएगी? वन डॉट टू फाइव फाइव, फिर वैल्यू क्या आ जाएगी? टू डॉट, ये तो एक सर्कल है यार, चलता जा रहा है। आगे वैल्यू क्या आएगी? टू पहली बात तो यार आज के बाद इसको पॉइंट नहीं बोल दिया, डॉट है ये। ठीक है भाई, हाँ आप क्वेश्चन पूछ। ये नहीं समझ में आया इससे, ये कैसे हो गया? देख भाई ये ऑक्टेट क्या हो गया? फुल। मैंने अभी वन के साथ यूज किया ना लास्ट ऑक्टेट, मैंने अभी टू के साथ यूज, तो हर ऑक्टेट हर वैल्यू के साथ यूज होगा ना यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, सर्कल है ये। देखो जो ऑक्टेट होस्ट ऑक्टेट होते हैं चेंजेबल होते हैं, वो जीरो से 255, फिर जीरो से, फिर जीरो से, फिर जीरो से, और जो इन ऑक्टेट्स को क्या बोलते हैं, ये भी होस्ट ऑक्टेट है, ये होस्ट ऑक्टेट, ऑक्टेट फुल हो गया, वैल्यू किसमें इंक्रीज हो गई? इसमें। ये फुल होगा किसमें हो जाएगी? इसमें। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों अलग अलग आईपीज है यार, सेम नहीं है। हाँ मीटर है यार, एक चलता रहेगा। हाँ दोबारा पूछ। नहीं, तब तक सेकंड वाली आप अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है भाई, हाँ हर एक के लिए 255 तक चलेगा। देख जैसे अब यहां से कहानी कहां तक जाएगी, 10.1 क्या आ जाएगा? आ गया। अब देख 10.1.1.0 लिख लिया मैंने, 10.1.255.0 लिख लिया। एग्री? 10. अब भाई पहले ये दोनों ऑक्टेट फुल होंगे, फिर इंक्रीमेंट किसमें होगा? इसमें। ठीक है जी, तो ऐसे ही कहानी कभी यहां भी पहुंचेगी। जो मेरी आईपी थी 10.11.12.13, पहुंच गई है कहानी, तो कहानी अब यहां पहुंची है तो यहां भी पहुंचेगी फिर। ठीक है जी, तो ये आईपी उस पूरे नेटवर्क का क्या है? 8 है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर जिस चीज का स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका कुछ एंडिंग पॉइंट भी होता है? मतलब एक नेटवर्क की नेटवर्क आईडी होती है और दूसरी आईडी को क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होती है? लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ नेटवर्क। क्या होती है? दो मिनट यार। क्या होगा इस नेटवर्क का लास्ट आईपी एड्रेस? अब मैं आपको क्या कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, थोड़ा सा तेज दिमाग चाहिए, मेरे पास तरीका बहुत। अगर 1 मिनट से ज्यादा लगा तो जो आप कहोगे मुझे करने में, ठीक है जी, जो आप कहोगे आपकी बात मान लेंगे, होगा नहीं ऐसा कभी भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। वे इतना आसान है, आपको बस थोड़ा सा क्लेवर बनना है। फाइन, कैसे? मैंने अपनी नेटवर्क आईडी लिखी, क्या आई थी? स्लैश। ठीक है जी, यहां पे कॉलम बनाओ किसका, पहले लिखो फिर लिखो। ठीक है जी, अब लिख दो एक नेटवर्क बिट्स इस ऑक्टेट में एग्जिस्ट करती है, जीरो इसमें करती है, जीरो इसमें करती है, और जीरो। ये बात सबको समझ में आई? 8 नेटवर्क बिट यहां है पहले ऑक्टेट में, दूसरे में कितनी है? तीसरे में, चौथे में। अब क्या लिखूंगा? होस्ट बिट। पहले ऑक्टेट में कितनी होस्ट बिट है, दूसरे में कितनी है? कितनी है? सम करके देख लो टोटल 32 है या नहीं,
एट प्लस एट 16, 24, 32। अब नेटवर्क बिट्स हमेशा क्या रहेंगी? सेम। दो आईपीस के लिए नेटवर्क बिट्स हमेशा क्या रहेंगी? कितने नेटवर्क बिट्स हैं? 8। वैल्यू क्या आएगी हमेशा? 10। अब देखो, चेंज जो होता है कभी नेटवर्क बिट्स में होता है? नहीं। किस में होता है? होस्ट बिट्स में। कितनी होस्ट बिट है? इस ऑक्टेट में 8। तो मिनिमम चेंज कितना हो सकता है यार? 8 बिट है। 8, दोबारा सुन बात, 8 बिट है। मिनिमम चेंज कितना हो सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? कितना ही चेंज हो सकता है। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम क्या हो सकती है? अब थोड़ा सा और दिमाग लगा लो यहीं पे। नेटवर्क आईडी पहली आईपी होती है, मतलब मिनिमम वैल्यू होगी उसमें। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होती है? लास्ट आईपी, मतलब उसमें क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू। एग्री? तो मिनिमम वैल्यू सबसे में क्या है? जीरो। मेरे पास होस्ट बिट कितनी है? 8। 8 बिट से मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम क्या आएगी? मैक्सिमम 255 बिट होगी। एग्री? इसके अलावा कभी कोई वैल्यू आएगी? नहीं आएगी भाई। इस ऑक्टेट में कितनी होस्ट बिट है? 8। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम क्या आएगी? इस ऑक्टेट में कितनी होस्ट बिट है? 8। कितनी होस्ट बिट है? 8। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी और मैक्सिमम? ये इसके लिए क्या हो जाएगी, मतलब ये नेटवर्क स्टार्ट कहां से होगा? और सही में खत्म कहां पे होगा? और ये 10.11.12.13 इस नेटवर्क का क्या था? एक पार्ट। समझ में आया? अब ये पूरा एक नेटवर्क है। नेटवर्क आईडी निकालनी आ गई, ब्रॉडकास्ट आईडी निकालनी आ गई। अब एक क्वेश्चन करो, उसके लिए मुझे नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी बताओ। लिखो क्वेश्चन। रुक तो जाओ, ये तो अभी रामायण शुरू हुई है। 29.31.83.89 पता नहीं, भूल गया भाई। बता रहे हो, थोड़ा पेज बोलो। 29.31.83.89 निकालो इसके लिए नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी। स्लैश वही क्लास ए के लिए जो यूज होता है, 255.0.0.0। कैलकुलेट करो। निकाल ली सबने? यार दोस्त दिमाग यूज कर। जब 10.11.12.13 जब स्लैश आर था तो क्या नेटवर्क आईडी आई थी? 10.0.0.0। ब्रॉडकास्ट क्या आई थी? 10.255.255.255। इसके लिए भी क्या आएगी? सेम। कितनी देर लगी करने में? जिसके पास दिमाग था 2 सेकेंड। करना पड़ा, अब करना पड़ेगा। स्लैश 8 को नो कर दे, कर। सेम मेथड है, अप्लाई तो कर भाई। सेम मेथड है, अप्लाई तो करो। हमने 2 स्टेप किए हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, बोलियो भाई। ये तो तुम ही करोगे यार, स्लैश 9 के साथ। मैं करके दिखा देता हूं एक और क्वेश्चन स्लैश 9 के साथ। सर जब खुद करते हो तो इतना आसान लेते हो, जब हमें करते हो तो मुश्किल। यार एक बात और, टीचर हमेशा क्लास में सिखाता गया 2+2 4, और एग्जाम में क्या देता है? 99+1-1। इसका लोग भी आंसर 99 नहीं लिख पाते। ठीक है भाई, 0 0 0 0 1 0। स्लैश क्या?
एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक है भाई? नौ लिख दिया। अभी मैंने ये रीजन नहीं बताया, मैंने स्लैश 8 से 9 बनाया क्यों है, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहा हूँ। अभी मैंने इस बारे में बात ही नहीं करी कि मैंने स्लैश 8 से 9 बनाया क्यों, या इसकी क्या नीड आई। भाई 0 0 0 0 0 0 0, लिख लिया। दोबारा क्या करेंगे, जो आज तक करते आए हैं, मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? सेम नंबर नीचे क्या आ जाएगा, 10। इस बात यहाँ तक कोई ना पहुंचा हो, पहुंच गए? ठीक है जी, समझ में आ गई इतनी बात? इस पर्टिकुलर वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसको भी करोगे तो, इसको भी करोगे तो स्लैश क्या आ गया, ये क्या आ गई, क्या आ गई? अब क्या निकालनी है, 10.0.0.0 स्लैश, यहाँ क्या लिख लूंगा, क्या क्या लिख लूंगा, लिख ली। नेटवर्क स्टेट में कितनी है, 8। दूसरे में कितनी है, तीसरे में, चौथे में, कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम, जस्ट करण, कोई इश्यू? पोस्ट बिट कितनी है, ठीक है भाई, 8 की 8 बिट सेम है, वैल्यू क्या आएगी हमेशा सेम। इस ऑक्टेट में होस्ट बिट कितनी है, चेंज हमेशा किस में आता है, होस्ट बिट में, 7 बिट से मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0, मैक्सिमम, एग्री? अब किसी के माइंड में ये तो नहीं आ रहा कि 7 बिट से मैक्सिमम वैल्यू तो 128 आती है, आ तो नहीं रहा किसी के माइंड में कि 7 बिट से मैक्सिमम वैल्यू 128 आएगी। भाई मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं, तो मूव कहां तक कर पाऊंगा, 127 तक। भाई क्या आ जाएगा इस ऑक्टेट में, 127। समझ में आया क्यों आया? होस्ट बिट कितनी है, 7, चेंज किस में होगा, होस्ट बिट में, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, मैक्सिमम क्या होगी, 127। तो मिनिमम ये रही और मैक्सिमम ये रही। इस ऑक्टेट में कितनी होस्ट बिट है, 8, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम, इस ऑक्टेट में कितनी होस्ट बिट है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम, ये क्या आ गई इसके लिए, ब्रॉडकास्ट आईडी। कोई दिक्कत हुई, एक क्वेश्चन करो जो आपको दिया था इससे पहले, जो इससे पहले दिया था स्लैश 9 वाला करो, कर दिया था दे लोगों को। हाँ जी, हाँ हो गया आपका, हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी का? फिर कॉमन सेंस यूज करनी थी, करके नहीं देखना था। नेटवर्क आईडी क्या हो गई, 29.0.0. और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या हो गई, 29.127.255. कितने लोगों को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई, इनको हो गया भाई आपका भी, नीली शर्ट वाले के साथ वाले का, ये भाई देख ही रहा भाई, आपका नाम क्या, आपके पीछे बैठा, हाँ भाई हो गया तेरा, तेरा हो गया भाई, आपका नाम क्या, जो लास्ट में बैठा बंदा, सागर, हो गया, हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ,
क्या इशू है? ले गया कॉपी? सी पाइप।